मोजिस दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान करीम के नजूल से पहले अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, लेकिन इनमें से कोई किताब अपनी असल हालत में महफूज न रह सकी। रबियों और पादरियों ने इन किताबों में तहरीफ की और इन्हें अपने मकसद के हुसूल के तहत कलमबंद कर लिया। मौजूदा दौर में इंजील, जिसे बाइबल कहते हैं, काफी हद तक तहरीफ शुदा है, लेकिन अकीदे तौहीद को साबित करने के लिए काफी है। ईसाई पादरी का बड़ा ग्रोह कुरान को इस बाइबल से कॉपी किया कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मामूर किए गए उल्मा इन पादरियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सरगर्म है, जिनमें सरे फहरिस्त खिदमात डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अंजाम दे रही है। नाजरीन, नाइजेरिया में एक ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि आपके कई लेक्चर सुन रखे थे और तवील अरसे से आपसे सवाल करने के लिए मुंतजर था। खुदा के फजल से आज मौका मिला। नाजरीन, इस शख्स ने पहला सवाल किया कि डॉक्टर साहब, क्या आप बाइबल पर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है? आपका जवाब जानना चाहता हूँ, इसके बाद मैं दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा। इस शख्स का सवाल सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक माइक की तरफ बढ़े और कहा कि मैं मौजूदा बाइबल पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं इस बाइबल पर यकीन रखता हूँ जो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी। मैं इन अहकामात को मानता हूँ और इन पर ईमान रखता हूँ, लेकिन जदीद बाइबल इस शक्ल में मौजूद नहीं है, ये तहरीफ शुदा है। ईसाई स्कॉलर्स खुद इस बात को मानते हैं कि ये वो बाइबल नहीं है जो पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आज बाइबल के 25,000 नुस्खे मौजूद हैं और कोई दो नुस्खे भी ऐसे नहीं हैं जो एक दूसरे की तायद करती हों या आपस में मिलते हों। इनके बयानात में तजाद है। जब ईसाई स्कॉलर्स ही अपनी मुकद्दस किताब पर यकीन नहीं रखते, तो किसी दूसरे मजहब के शख्स के लिए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मौजूदा बाइबल हिक्मे इलाही, जीसस के बनात, तारीख और कुछ पादरियों की कहानियों पर मुश्तमिल है। और तो और, बाइबल में एक पूरा चैप्टर पोर्नोग्राफी पर मुश्तमिल है। आप पब्लिक में तो क्या, अकेले भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़कर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह एक मुकद्दस किताब का हिस्सा है। बाइबल हजारों नुस्खों पर मुश्तमिल है, जबकि कुरान एक ही है। इसका कोई एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है। बाइबल और कुरान के मुश्तरका बातों पर मैं ईमान रखता हूँ। जहाँ कहीं तजाद है, मैं इन बातों को नहीं मानता। कुरान जिस जुबान में भी तर्जमा कर लें, मतलब एक ही है। इन सब बातों के बाद इस शख्स ने सवाल किया कि बाइबल की बातों को मद्देनजर रखा जाए तो जीसस के खुदा होने या खुदा का बेटा होने पर यकीन करना नहायत आसान हो जाता है, लेकिन मुसलमान इस बात को समझ नहीं पाते। और अगर मुसलमान बाइबल पर यकीन नहीं रखते, तो ईसाइयों से ये तवक्का रखना बेसूद है कि वो कुरान पर यकीन करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स का सवाल दोहराते हुए कहा कि मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत आसान अल्फाज में बाइबल से हजारों हवालात पेश किए और बताया कि जीसस ने बाइबल में कहीं खुदा या खुदा का बेटा होने का दावा नहीं किया। ईसाई इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझ पाते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर सारी बाइबल से एक आयत दिखा दें जिसमें जीसस ने खुदा या इसका बेटा होने का दावा किया है, तो मैं इस आयत कबूल करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास आया और कुछ कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए और कहा कि भाई ने मुझे बाइबल से तीन जगह की निशानदेही करवाई है जिसमें जीसस ने नाउजु बिल्ला खुद का खुदा होना बताया है। एक जगह लिखा है, मैं और मेरा बाप एक है, लेकिन इस आयत का पसे मंजर क्या है वो जानना जरूरी है। जीसस जब हैकले सुलमानी में दाखिल हुए तो यहूदियों ने इन्हें घेर लिया और कहा कि अगर आप मसीहा हैं तो हमें साफ साफ बता दें, हमें शकूक में ना डालें। जिस पर जीसस ने कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। मेरी भेड़े मेरी बात सुनती हैं और मेरी पैरवी करती हैं और मैं इन्हें अपने बाप के हुक्म से हमेशा की जिंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगी। इन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता और मेरा बाप बहुत बड़ा है जिसने इन्हें मुझे दिया और मैं और मेरा बाप एक हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत में जीसस ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। यहाँ मकसद की बात हो रही है कि मेरा और मेरे बाप का मकसद एक है। पुराने वक्तों में खुदा को बाप या फादर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ईसाइयों ने इस लफ्ज की गलत तशरीह कर डाली। दूसरा हवाला आपने जिस आयत का दिया, इसमें कहा गया है कि मैं सच्चाई का रास्ता हूँ, मैं जिंदगी हूँ, इससे भी जीसस का खुदा होना साबित नहीं होता। हर पैगंबर अपने दौर में सच्चाई और रहनुमाई का मीनार होता है। इसी के जरिए आप जिंदगी को रहनुमा असूल के तहत गुजार सकते हैं। अगर आप इसकी तालीमात पर अमल करें, इससे ये मतलब नहीं निकलता कि जीसस खुदा थे।
तीसरी आयत का आपने हवाला दिया, उसमें जीसस ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ये आयत ही एक तजाद है। अल्फाज ओमेगा का मतलब है पहली इब्तदा और इंतहा। बाइबल कहती है कि जीसस बैतुल्लाह में पैदा हुए। पैदाइश का मतलब होता है कि किसी का इब्तदा होना। दूसरी तरफ ये आयत कहती है कि जीसस की कोई इब्तदा नहीं, तो पैदाइश की बात का क्या जवाब होगा। हकीकत में ये आयत बाइबल में शामिल की गई और कई गैर मुस्तनद बातों को इसी तरह बाइबल में शामिल किया गया। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस शख्स से कहा कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बाइबल को खुद ध्यान से पढ़ें और चर्च और पादरियों की तालीमात नजरअंदाज करें, तभी आप हकीकत तक पहुंच सकते हैं। बाइबल को पढ़ें और पादरियों से पूछें कि बाइबल में ये लिखा है, तुम इससे खिलाफ क्यों करते हो। मेरे लेक्चर्स देखें, इंशाल्लाह आपको सच्चाई के करीब कर देगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।